वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, सो आज मैं बताने जा रही हूँ हेल्थ केयर रूटीन। ओके, सो कुछ खास नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ अपने बालों को ऑयलिंग करती हूँ क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों पे विश्वास नहीं करती ज़्यादा। हाँ, होममेड होगा तो मैं ज़रूर कर लूँगी। ओके, तो व्हाट इज़ माय हेयर टाइप इज़ वेवी एंड फ्रिजी हेयर। ओके, एंड अभी विंटर्स है तो मेरे बाल में ईचिंग एंड डैंड्रफ हो जाता है और थोड़ा सा ऑयली स्कैल्प है मेरा, तो ये इसके लिए मैं होम मेड ऑयल यूज़ करती हूँ जो कि है ये। मैंने ये होम मेड ऑयल बनाया है मेरे अपने खुद के हाथों से। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इसमें है कोकोनट ऑयल, कैस्ट्रोल ऑयल एंड नीम के पत्ते, मतलब मीठा नीम जो होता है उसके पत्ते और मेथी। हाँ, तो इसको मैंने अच्छे से उबाल के अच्छे से घर पे बनाया है। फ़ायदे ये है कि ये हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा रहता है। जो कैस्ट्रोल ऑयल होता है वे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है एंड कोकोनट ऑयल तो बेस्ट ही होता है, तो ये इसके ये फायदे। और जो नीम रहता है मीठा नीम, उसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा है, बाल काले रहते हैं, हेयर ग्रोथ भी होता है। और मेथी का तो सबको पता है, वो तो बहुत अच्छी रहती है बालों के लिए, तो मैं यही यूज़ करती हूँ विंटर्स में, समर में, मानसून में, जब भी मैं यूज़ करती हूँ। रिसेंटली स्टार्ट दिस रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, इसके दो चार बूंद होते हैं ये ऑयल में डाल के करके अपने बाल में लगाते हैं। इसके फायदे ये है कि ये हेयर फॉल को कम करता है, हेयर ग्रोथ और हेयर थिकनेस में मदद करता है एंड सबसे अच्छी बात ये डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने एक दो महीने से ये स्टार्ट किया, ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपको मैं ये इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप इसको जरूर परचेज करें, बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, इसमें आपको बताना भूल गई, जब मैं ऑयल बना रही थी तो मैंने उसमें जालसूत का फूल भी डाला था, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर मैंने ऑयल में 5-6 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल डाला और उसको थोड़ा सा वार्म कर लिया, फिर अच्छे से बालों में, रूट्स में और एंड्स में लगा लिया। आप भी स्किप ना करें, एंड्स में लगाना। फिर मैंने 5-6 मिनट हेड मसाज लिया, वो बहुत अच्छा रहता है। डाउन करके भी हेड मसाज लिया ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो जाए बालों में। फिर मैंने ऑयल को 2-3 घंटा बालों में रहने दिया था। फिर अच्छे से 2 बालों को धो लिया था, इतना भी ना धोए कि जो नेचुरल ऑयल है वो भी निकल जाए। ओके, और फॉर शैम्पू मैंने ये ट्रेस्मे का यूज़ किया है, ये मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ, इसका ट्रस्ट में रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आप भी यूज़ ज़रूर करें। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, अब हम इसको एयर ड्राई होने देंगे नेचुरली। ओके, सो हमारे बाल ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, तो अब हम इसको कॉम कर लेंगे। ऑयलिंग के बाद बाल इतने स्मूथ हो जाते हैं ना, रियली। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो सब मैंने कहीं कहीं देखा है कि सब बोलते हैं नीचे से करना चाहिए स्टार्ट। आई डोंट नो व्हाई ऑलवेज डू लाइक, मैं तो ऐसे ऊपर से ही करना स्टार्ट कर देती हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहते हैं सब नीचे से करना। ओके, आई डू लाइक दिस। Yeah. Too easy. Hey, इतना मुझे देते हैं एंड आई रियली नीड टू डू माई हेयर कट, मुझे जाना है हेयर कट करवाने का। आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि लंबे बाल रखूं या शॉर्ट करवा लूं।